There were several students from different countries who had come here. They approached their seniors saying that we cannot survive in 4,000 rupees. So on 5th and 6th, we did a mass hunger strike, about 80 people. And then on the 7th, we started with the indefinite hunger strike, and we are continuing that indefinite. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम नई दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सामने हैं। ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है। 2010 में जब इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तब सार्क के अलग अलग देशों ने एक सपना देखा था कि यहाँ से पढ़कर लौटने वाले छात्र अपने अपने समाजों के लिए नया भविष्य गढ़ेंगे। लेकिन 12 साल बाद आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर छात्रों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। छात्रों का आरोप ये भी है कि जब वो अपने मुद्दों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गए तो न सिर्फ उन्हें नकारा गया बल्कि उन्हें एक्सपल्सन लेटर भी दिया गया। यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे कुछ छात्रों से हमने बात की ताकि इस पूरे मुद्दे को गहनता से समझा जा सके। देखिए ये वीडियो। हमें पता है कि साउथ एशिया में काफ़ी गरीब देश भी है, जैसे पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस, अफगानिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो इन गरीब विद्यार्थियों के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एड दी जाती है, जिसको हम फ्रीशिप बोलती है, जो पहले 5,000 रुपये महीना दी जाती थी। उस 5,000 स्कॉलरशिप को इन्होंने घटा के 4,000 कर दिया है। और बस ये पिछले साल की बात नहीं है, ये दरअसल इन नंबर ऑफ फेलो स्कॉलरशिप को भी कम कर रहे हैं और अभी अमाउंट भी कम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों में, छात्रों में इस बारे में असंतोष पहले से ही था। एक्चुअली इनिशियली सिर्फ 4 डिमांड्स थी, PhD का पैरिटी विद JRF, जो UGC का JRF है उससे पैरिटी। सेकेंड वॉज मास्टर स्कॉलरशिप 7,000 रुपये बढ़ाना सभी के लिए। फिर था कि PhD का ब्लैंकेट एक्सटेंशन, क्योंकि जो कोविड अफेक्टेड बैचेस हैं उसमें देर इज़ अ प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलिएटिंग होता है एट अ सर्टेन एक्सटेंट। और क्योंकि जब कोविड ने हर एक बैच को इफेक्ट किया है तो स्टूडेंट का ये जस्टिफिकेशन है कि जब भी सभी को इफेक्ट हुआ है तो वाई डू यू वॉन्ट एवरी स्टूडेंट कि वो इस प्रोसेस से गुजरे। हम BOS के फंक्शनैलिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंस को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बट वी आर सेइंग कि जो इफेक्ट बैचेस इफेक्टेड हुए हैं कोविड के, आप UGC ने भी दिया है 6 मंथ्स करके, 2 साल तक या 2.5 साल तक एक्सटेंशन दिया है, 2 ईयर्स आई गेस, तो आप भी दे सकते हैं। आप क्यों चाहते हैं हर एक बच्चे को एक ही रीज़न लिखे कि हम कोविड अफेक्टेड बैचेज हैं तो ही हमें आप एक्सटेंशन दें। आप यूनानिमसली डिसीजन लेकर के हर एक, बिकॉज इट इज़ PhD इज़ अक्रॉस डिसिप्लिन, हमारे यहाँ PhD अक्रॉस डिसिप्लिन होता है, तो फिर आप सभी को एक्सटेंशन दे सकते थे। बिकॉज देर जो पहले ख़त्म कर ले उसके लिए अच्छा है, जो नहीं ख़त्म कर पाए उसको एक्सटेंशन दीजिए आप। आप क्यों चाहते हैं हर एक बच्चे को वो BOS के थ्रू जाए? बट येस, लेटर ऑन BOS कैन फंक्शन, बट फॉर एटलीस्ट फॉर कोविड अफेक्टेड बैचेज देर शुड बी अ ब्लैंकेट एक्सटेंशन। ये हमारी डिमांड थी। एक था कि लास्ट डिमांड, फोर्थ डिमांड वॉज कि स्टूडेंट का स्टेक होल्डर होना, होल्डरशिप होना चाहिए। लाइक हम लोग ऑब्जर्वर की तरह कमेटीज़ में नहीं बैठना चाहते हैं, हमारा से होना चाहिए। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हियर हैव कम विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस यूनिवर्सिटी विल सपोर्ट दैम इन देयर लाइव्स एंड कैरियर्स एंड वुड एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ, एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द SAARC nations with the intention of making sure that not a single student drops out due to their financial situations. Social, economic, this university's purpose is to accommodate people from all social, economic conditions. And at this point, it is not fulfilling its basic goals. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो JNU, DSC, DU ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़ के आए, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बीच सेमेस्टर में ये लोग पैसा कम कर दे रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इन्हें कैंपस शिफ्ट करना है, और कैंपस शिफ्ट करने के कारण ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लास किया, मतलब लगभग 2.5 साल तक ऑनलाइन चला है। उसके बाद फिर से अब ये ऑनलाइन मोड में ले जाने की है। इसके लिए भी बच्चों में आक्रोश है कि हम दोबारा ऑनलाइन मोड में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि ऑनलाइन, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से नहीं था, मैंने मास्टर्स में सोशियोलॉजी लिया। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, घर पे है, वहाँ पे मैं बिहार से, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पे बिजली की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो ऑनलाइन, जब बिजली नहीं रहेगी, इंटरनेट रहेगी, तो हम ऑनलाइन क्लास कैसे लेंगे? ऑनलाइन समझने में दिक्कत है, हर प्रकार से ना समझ में आता है, उस बेहतर जो क्लासरूम में समझ में आता है बेहतर तरीके से, ना इंगेजमेंट होता है, ना डिस्कशन होता है। ऑनलाइन एक मोनोटोमस चलता है कि आप जैसे खोल के बैठे हैं और कुछ सुन रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम दोबारा ऑनलाइन फेज में नहीं जाना चाहते हैं। 1 नवम्बर को जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पूरा, वहाँ पर हमने धरने पर बैठ गए हैं। अभी तक हमने धरना, हमारा धरना शुरू है, और 7 तारीख को, उससे पहले एक दिन 6 तारीख को
हमने महासंघ स्ट्राइक किया था 24 घंटे के लिए, 80 बच्चों ने उसमें भाग लिया था जो 24 घंटे के लिए भूखे रहे थे, और फिर 7 तारीख को दूसरे दिन से हम इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे है। अभी फिलहाल 8 बच्चे हंगर स्ट्राइक पे, हमने शुरू किया था 8 बच्चों से, उसके बाद 6 बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। मैं खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, मैंने 7वें दिन मेरा शुगर लेवल 40 तक पहुँच गया था और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल भी मना किया था क्योंकि ब्रेन इंजरी लीवर किडनी का ये था, तो इसलिए मुझे भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। मैंने कल ही मेरा अनशन तोड़ा है। बाकी 6 बच्चे भी हॉस्पिटलाइज हुए, उनके अगर केस बताऊं तो एक नेपाल से लड़की है जो कोलैप्स हुई थी, उसके हेड इंजरी का इशू हो सकता था। दूसरा भीमकर एक पीएचडी स्कॉलर है जो अचानक से उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसको जब हॉस्पिटलाइज किया तो डॉक्टर ने ये बोला कि अगर थोड़ी भी देर होती तो उसको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस था। इन्होंने एम्बुलेंस दिया, ओआरएस दिया, इन्होंने बोला डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई हुई है। इट वाज अ जनरस जेस्चर, बट द आर्ग्यूमेंट इज व्हाई आर दे लेटिंग दैट सिचुएशन कम। वी आर नॉट डिमांडिंग इट, वी आर नॉट सेइंग दैट गिव अस एम्बुलेंस समथिंग। आपको ये सिचुएशन आने नहीं देना चाहिए था, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एडमिनिस्ट्रेटर्स। दे फेल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर, उनको आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपको एम्बुलेंस, आप मुझे हमें कह रहे हैं एम्बुलेंस मत दो, यहाँ का बच्चा जुनूनी है, पैदल चला जाएगा। मैं अभी से हंगर स्ट्राइक में मैं बात कर रही हूँ, ये हंगर स्ट्राइक में ही बात कर रहे हैं, 8 दिन हो गए इनको, मुझे 2 दिन हुए हैं। तो हमें एम्बुलेंस नहीं चाहिए, ORS नहीं चाहिए। ऑल आई वॉन्ट इज हमारे डिमांड्स को सुने, उसके बारे में बात करें। All we want is this. We don't want any facilities from you. You better come and talk to us. हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। जो एजिटेशन की हिस्ट्री है वो आज की नहीं है, वो 100 साल पुरानी है। वी हैव सीन भगत सिंह, वी हैव सीन महात्मा गांधी, वी हैव गिवन दिस नेशन हैज़ गिवन दिस ग्रेट पीपल। उनका स्पिरिट यही था कि इफ़ सम इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ किससे से ज़्यादा पीसफुल कुछ नहीं हो सकता। वी आर हार्मिंग हार्सेल्स। मैं इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक में 2 दिन से हूँ, मैं अपने आप को हार्म करी सो दैट माई वॉइस इज़ हर्ड। बट आप मेरे मुँह पे छांटा नहीं मार सकते एक्सपल्शन का, आप मुझे टारगेट नहीं कर सकते। 150 लोगों में से आपने 5 लोगों को क्यों टारगेट किया और कैसे टारगेट किया? प्रॉक्टर एक महीने में 3 बार कैसे चेंज हो गया? 2 प्रॉक्टर चेंज हुए, आपने उनको प्रेशराइज किया एक्सपेल करने के लिए। फिर आपने अपने ही फैकल्टी से या जिसको भी आपने प्रॉक्टर बनाया, जिसने उसी दिन पोजीशन संभाला और शाम को उसने एक्सपेल कर दिया, दैट टू आफ्टर ऑफ आवर्स ऑफ द ऑफिस, ऑफिशियल आवर्स नहीं थे। 8 बजे आया हमारे पास एक्सपल्शन का ऑर्डर। हाउ दिस इज़ डन? व्हाई आर यू डूइंग दिस? नाउ द पॉइंट इज माई क्वेश्चन एंड माई कंसर्न इज कि अगर एजिटेशन हो रहा है, आप स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग सिविलाइज सोसाइटी से आते हैं, सिविलाइज सोसाइटी में जाने वाले हैं, दे आर आर प्रोफेशनल कॉलीग्स। हम PhD के आखिरी स्टेज में है बिल्कुल, इसके बाद हम लोग पोस्ट कहीं भी जाएंगे, हम आपको एज अ कॉलीग मिलेंगे, राइट? तो अगर हमारी आवाज़ हम आपके लिए उठा रहे, मतलब अगेंस्ट उठा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी ईगो क्यों आ रही है? आप क्यों सॉरी चाहते हैं? क्या गलत किया है? और प्लस अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमको रिप्रमांड करना चाहते हैं, पिनलाइज करना चाहते हैं, देर शुड बी एन एविडेंस। आप एविडेंस दिखाइए, किसी के भी एक्सपल्शन नोटिस में, रस्टिकेशन इशू नोटिस पे कहीं पर भी चार्ज नहीं लिखा, मॉरल मिसकंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन वायलेटेड। हाउ विल इनडिसिप्लिन इज़ अ वेरी वेग टर्म, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्रोटेस्ट, देन वी आस्क्ड आर टीचर्स दे हाउ टू बी प्रोटेस्ट। हंगर स्ट्राइक वी कैन डू, दैट्स अ लास्ट रिसोर्ट ऑफ कोर्स। हम लोग चिल्ला सकते हैं, स्लोगनरिंग कर सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और इससे पहले जब भी हुआ है, हमने प्रेसिडेंट से बात की है, प्रेसिडेंट ने आके हमसे बात की है, कभी इतना एडमेंट और ईगोइस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं रहा कि वो आके बात ही नहीं करेगा। हम आपके बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं?